सितारगंज में बैगुल नदी के जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न। उत्तराखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विगत 5 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन व नदियों के किनारे बसे गांवों में पानी भरने से अब लोगों के सामने समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो गया। नदियां अपने उफान पर हैं, जो अब जानलेवा साबित हो रही है। पर्वतीय क्षेत्रों व मैदानी इलाकों में बारिश से छोटी बड़ी नदियां उफान पर आ गई है। उफनाई नदियों ने कई जगह सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त कर दिए हैं, जिससे उन पर आवाजाही बंद हो गई है। बारिश से क्षेत्र में नदियों का जलस्तर बढ़ने से शक्ति फार्म के गांवों में जलभराव हो गया है। घर खेत खलियान भी पानी से जलमग्न हो गए। नगर में SDM कोर्ट परिसर में बारिश का पानी घुसाया। सितारगंज के शक्ति फार्म में बैगुल नदी का जलस्तर बढ़ने से अरविंद नगर क्षेत्र में 80 घर जलमग्न हो गए। क्षेत्र में लगभग 180 परिवारों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ राहत के लिए जलभराव वाले स्थानों में लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नाव मुहैया कराए हैं। राहत कैंप पूरी तरह से तैयार कर लिए गए हैं। बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारी भी निगरानी में लगे हैं। जल की निकासी की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन द्वारा नदी किनारे रिहायशी क्षेत्रों में लोगों को सतर्क किया जा रहा है तथा सुरक्षित स्थानों में जाने की अपील की जा रही है। पानी के जलस्तर बढ़ता देख शासन प्रशासन भी अलर्ट है। प्रशासन भी सुरक्षा उपकरणों के साथ मौके पर पहुंच गया है। प्रभावित क्षेत्रों में ट्रैक्टर से लोगों के मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर निकालने की अपील की जा रही है। वहीं सितारगंज में कैलाश नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। कैलाश नदी में जलस्तर बढ़ने से आसपास के काश्तकारों की भूमि कटाव से खड़ी फसल भी जलमग्न हो गई है। नकुलिया स्थित राय सिख बस्ती में भी कैलाश नदी का तांडव जारी है। यहां सैकड़ों एकड़ गन्ने की फसल नदी के साथ बह गई। नदियों के रुख मुड़ने से भू कटाव का खतरा बढ़ गया है। बैगुल नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से सिसोना में पानी रिहायशी क्षेत्रों व खेत खलियानों में घुस गया है। वहीं सुरेंद्र नगर में सूखी नदी ने भू कटाव करना शुरू कर दिया है, जिससे कई घर भी खतरे की जद में आ गए हैं। वही विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि बाढ़ राहत कार्य के लिए प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिया है। शासन प्रशासन द्वारा बाढ़ राहत कार्यों के लिए टीमें गठित कर पीड़ितों को मदद पहुंचाई जा रही है। हमें उपस्थित है अभी 12 बजे के बाद जब पहाड़ का पानी ऊपर से आया तो यहाँ पे 7 नंबर 8 नंबर में स्थिति ऐसी है कि हर घर में पानी है और कई लोग फंसे हुए हैं 7 नंबर 8 नंबर में। और शासन प्रशासन की बात करूं तो मैंने माननीय विधायक जी को तुरंत फ़ोन किया था और उन्होंने तत्काल एसएलदार महोदय, फिर पटवारी, उसके बाद हमारे थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी सब लोग आए थे। सीओ साहब भी आए थे और आके घर घर जाके मुआयना करके देखा और कंडीशन बहुत ही दयनीय है। और अगर आगे ऐसे ही बारिश होता रहा पहाड़ में तो यहाँ की स्थिति बहुत ही रात के लिए ख़राब हो जाए। अभी हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ही 1 घंटा पहले ही एक नाव की व्यवस्था कराया गया है। पंजाबी सिंगर जस बाजवा आए किसानों के समर्थन में। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को मजबूत करने और युवाओं की आंदोलन में भागीदारी को बढ़ाने के लिए पंजाबी संगीतकार जस बाजवा धर्म नगरी नानक मत्ता गुरुद्वारा साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं से किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील की। इस दौरान किसानों ने जस बाजवा का सरोपा भेंट कर स्वागत किया। बता दें कि कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य स्थानों पर किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। किसान आंदोलन को और अधिक मजबूत करने के लिए अब पंजाबी संगीतकार भी युवाओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। इसी के चलते पंजाबी संगीतकार जस बाजवा नानक मत्ता पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं को और मजबूती के साथ योगदान देते हुए किसान आंदोलन को मजबूत बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी छवि को बदनाम होने से बचाने के लिए कृषि कानून को वापस नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की सरकार के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अपने घरों से दूर बॉर्डर पर बैठे हैं। युवाओं को बस मैं यही कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरु के साथ भी जुड़ें और आंदोलन के साथ भी जुड़ें। वैसे तो सारे जो युवा हैं वो जुड़े हुए हैं आंदोलन के साथ, पर फिर भी मैं जो युवा अब तक मोर्चे में नहीं गए वो मोर्चे में जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे भविष्य का ये सवाल है, हमारे जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनके ये भविष्य का सवाल है। खेतों से हम बहुत इमोशनली भी जुड़े हुए हैं और फाइनेंशियली तो चलो खेत खाने को तो हमें देते हैं, बट हमारा खेतों से एक लंबा इतिहास जुड़ा है। सो ये हक की लड़ाई है, इसमें सबको आना चाहिए, चाहे वो युवा हो चाहे
किसान की कोई परिभाषा नहीं। आज बॉर्डरों के ऊपर भी सारे स्टेट्स का किसान है जो एक होकर ये लड़ाई एकता से लड़ रहा है, और एकता में ही बल है, एकता में ही ताकत है। और सबको मैं ये कहूँगा कि जब तक ये मोर्चा हम जीत नहीं जाते, गुरुओं का ऊँट आसरा लेकर अरदास कर कर अपने घर से निकलें, और जब तक काले कानून गवर्नमेंट वापस नहीं ले लेती तब तक वहाँ पर डट के लड़ाई लड़ें।